अगर आप किसी से कोई सेकेंड हैंड फ़ोन लाते हैं और वो आपको इस फ़ोन की बिल नहीं देता है और आप जानना चाहते हैं कि इस नए फ़ोन कब लाया है, कब एक्टिवेट हुआ है, तो वो आज सारा आप जान सकते हैं इस वीडियो में। तो बने रहिए इस वीडियो में। YouTube पे आपको बहुत सारे वीडियो देखने को मिलेंगे जिसमें आपको बताया जाता है कि IMEI नंबर से आप निकाल सकते हैं फ़ोन की डिटेल्स। इस वेबसाइट पे जाइए, लेकिन उस वेबसाइट पे जब हम गए तो वहाँ पर कुछ ऐसा शो हो रहा है, देख सकते हैं। यहाँ पर जब आप अपना IMEI नंबर डालते हैं तो यहाँ पर इनवैलिड IMEI नंबर शो करता है। तो इस वेबसाइट का ऑल्टरनेटिव लेके आई 101% वर्किंग है। तो सबसे पहले आपको काम क्या करना है, आपको IMEI नंबर निकाल लेना है। वो आप कहीं से भी निकाल सकते हैं, अपने फ़ोन के बॉक्स पर भी आपको मिल जाएगा IMEI नंबर। अगर उस पर नहीं है तो आपको डायल पैड में डायल करना है *#06#, ये जो आप डालेंगे तो आपको IMEI नंबर शो करेगा, उसको आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी कर लेने के बाद आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, उस डिस्क्रिप्शन वाले लिंक पे आपको क्लिक कर देना है और क्रोम में उसको ओपन कर लेना। पर आपको IMEI नंबर डाल देना है अपना जो भी है, और ये कुछ लोडिंग लेगा जैसे कि आप देख सकते हैं, थोड़ा सा टाइम लेगा। और जैसे कि आप देख सकते हैं, ये सारी डिटेल्स आपकी फ़ोन की निकाल लेगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर मैंने IMEI नंबर डाल दिया और डिटेल्स भी शो हो चुकी है। देख सकते हैं मेरा फ़ोन है Redmi Note 9। देख सकते हैं यहाँ पर मैं थोड़ा स्क्रॉल नीचे कर रहा हूँ तो देख सकते हैं यहाँ पर इसका डिस्क्रिप्शन भी दिखा रहा है, और देख सकते हैं एक्टिवेशन डेट, यानी कि जब ये फ़ोन एक्टिवेट हुआ है, जब किसी ने ये फ़ोन ला है, उसको जो पहली बार ऑन किया है वो डेट यहाँ पर आपको दिख रहा है। उसके बाद नीचे आपको यहाँ पर सर्च डेट दिख जाएंगे। देखिए परचेज डेट, मतलब किसने कब ख़रीदा है फ़ोन, ये भी आप यहाँ से देख सकते हैं। सारी A to Z आपको डिटेल्स यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। आपको ये डिटेल्स भी देखने को मिल जाएगी कि फ़र्स्ट टाइम फ़ोन को कब ऑन किया गया था, यानी कि उसका मतलब ये है जब फ़ोन कंपनी में बना था तो उन्होंने जब टेस्ट के लिए फ़ोन को खुलाया था, चेक किया था, वो तो वो कब किया था, वो डेट भी आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। ये जो एक्टिवेशन डेट है वही डेट है जब उसने ये फ़ोन परचेज़ किया है। तो इस ट्रिक की मदद से आप जान सकते हैं कि जो सेकेंड हैंड फ़ोन है ये कब एक्टिवेट हुआ है, कब इसने लाया है, अगर वो को इस फ़ोन की बिल नहीं देता है। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए। तो मिलते हैं आपके साथ किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक दुआ में रखिए याद। अल्लाह हाफिज़।